नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि FIR लॉन्च हुई है किसके ऊपर? अजीत धवल के ऊपर। और किसके कहने पर हुई है? ये हुई है पन्नू द वर्ल्ड प्रोमिनेंट सिख लीडर, उसके कहने पर एक FIR लॉन्च हो गई। छोटी बात है, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन FIR के ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई इसको खड़ा कीजिए, हमारे हवाले कीजिए। किसको? अजीत डोभाल को। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? आज थोड़ा सा इसके ऊपर उजागर करते हैं आपको कि हुआ क्या है। दोस्तों, तीन मुद्दे हैं इसके अंदर। एक है मोदी जी का ट्रिप। मैंने पूरा डिटेल में आपको एडवांस में कवर कर दिया कि मोदी जी वहां पर क्या करने वाले हैं। दूसरा, राहुल गांधी की जो अभी अभी USA की ट्रिप हुई है। और तीसरा है अजीत डोभाल पन्नू वाला केस। आज तीनों को आप जब जोड़ेंगे आपको समझ आएगा कि मुद्दा क्या है। और ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ अभी जाकर FIR लॉन्च करी है, जबकि केस तो ये 2023 का था। 23 में ये क्लेम करते हैं, जो कि एक सेंसेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्टिंग करी थी कि जी जो पन्नू है एक US कैनेडियन ड्यूअल सिटीजन, इंडियन ओरिजिन का, यानी कि मिक्स ब्रीड हो गया, तीन तीन सिटीजन हो गई, इंडिया कनाडा USA, वो एक टेररिस्ट है भारत का, लेकिन वो नैरोली एस्केप कर गया एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट। पन्नू ने नहीं बोला कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है जून 2023 में। याद रखना इस चीज को। अब पन्नू ने जून 2023 के बाद अब जाकर एक लॉ सूट रखा न्यूयॉर्क में, वहीं पर जहां पर लिब्रांडो के सारे सरबरा बैठे हैं और सरफरे इनके वो जजेस भी बैठे हैं, और उन्होंने टॉप इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर एक थोपा है, एक तोहमत लगाई है कि भाई ये सारे मास्टरमाइंड थे मेरी जान लेने के लिए। अब ये सिर्फ एक लीगल बैटल तो हो नहीं सकता जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी भी उन्होंने हैक कर दी भी। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने करी है। और ये लेटर या जो ये FIR है, ये जानबूझकर अभी किया गया है ताकि US और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर दरार डाली जाए, डिस्टेबलाइज करी जाए मोदी जी की गवर्नमेंट को भी, और साथ में मोदी जी के जो ट्रिप है उसमें भी मोदी जी को थोड़ा टोन डाउन किया जाए। अब रीज़न क्या है उसमें भी आऊँगा। बहुत बड़ी साजिश पन्नू की जो लॉ सूट है। पहली बात यह है कि उसमें किस किस का नाम डाला है। दोस्तों, ये पन्नू जो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, एक सेपरेट स्टेट की बात करता है, इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की भारत में, वो क्या बोल रहा है कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स है भारत के, उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश करी, और ये नहीं बोला कि मुझे क्या चाहिए, ये बोला है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश करी। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई आदमी ये बोले कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, मुझे उसके बदले पैसे दे दीजिए। तो भैया, पैसे चाहिए तो बता कितने चाहिए, तुम्हारी जान लेने के बाद तुम्हें उतने पैसे दे देंगे, तुम्हें तो पैसों से मतलब है। ये तो हालत है इन लोगों की। साथ में ये खालिस्तानियों को दुनिया भर में बोलता है डरो मत, लेकिन खुद क्या बोल रहा है कि जब से मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ है मैं इमोशनल डिस्ट्रेस में हूं और मेरी लाइफ लगातार खतरे में है, मुझे नींद नहीं आ रही, आंखों के नीचे बड़े बड़े धब्बे हो गए हैं, और आपको मालूम है जब ये आता है बोलता हुआ ये ऐसे 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 उछल रहा होता है, इसको लगता है कि कहीं नीचे से आइट साइड से कहीं गोली ना आ जाए, वैसे ही जैसे हिजबुल्ला वाले कितने कॉकरोच मारे गए। अब तो उनका ऑफिशियल नंबर आ गया है 850 से ज़्यादा लोग नहीं कॉकरोच हिजबुल्ला के वो मारे गए हैं। इसको भी लगता है कि भाई मरने से पहले, मरना तो है ही है इसने, मरने से पहले जितने पैसे मैं ले लूं उतना अच्छा। वो इधर जो है भागते चोर की लंगोटी भरी, तो इसका है भागती सोल के से भले पैसे भले। तो इसने ऑफिशियल्स का नाम, एक तो इसने लिया फॉर्मर रॉक चीफ जो थे सामंत गोयल, उनका नाम लिया, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता जो अभी अभी पकड़ा गया है न्यूयॉर्क में, वो मर्डर फॉर हायर के केस में पकड़ा है उसको, इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन ये तो छोटे मोटे नाम थे। साथ में उन्होंने इम्प्लीकेट किया है अजीत डोभाल को कि जो इंडिया के नेशनल NSA हैं, हमारे जेम्स बॉन्ड, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे और उन्हें पूरी नॉलेज थी और इन्होंने ही इस प्लॉट को अप्रूव किया था। उन्होंने साथ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका भी नाम लिया है इस FIR के अंदर
कि ये पूरी ऑपरेशन के लिए मोदी जी जिम्मेवार थे, उन्हें भी पता था, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं डाला है क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है और उसे पता था कि अगर मैंने मोदी का नाम दिया तो एफआईआर के जो समन है अजीत डोभाल के ऊपर वो जाएंगे ही नहीं, इसलिए बड़ी खूबसूरती से उनके नाम को साइड पर रख दिया, अजीत डोभाल जी को इम्प्लीकेट कर दिया। अब ये हुआ क्यों, पन्नों की इस वक्त जरूरत क्यों पड़ी अमेरिका को, आप पहले ये समझिए। उसका रीजन है राहुल गांधी। पहले तो राहुल गांधी ने यूएस की विजिट करी और वहां पर जाकर जो गंद डालना था उसने डाला। उसका रीजन था कि राहुल गांधी को बुलाया गया था कि आपने मोदी जी को टारगेट करना है। उसने मोदी जी को तो पूरा अच्छी तरह से टारगेट किया, भारत को भी टारगेट किया और उसने ऑफिशियली एक पोर्ट्रे किया कि जैसे कि इंडियन डायस्पोरा के सामने और वेस्टर्न मीडिया के सामने मोदी जी ऐसे कि डिक्टेटर हैं, भारत में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, यहाँ पे जो सिख हैं उन्हें तो पग भी डालने की इजाज़त नहीं है, गुरुद्वारे जाने की इजाज़त नहीं है। ये उसने वहां पर जाके बातें बोली हैं। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि गांधी, ये राहुल गांधी, इसने वहां जाकर जो सीक्रेट डिस्कशंस थी अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, भारत को डीप स्टेबलाइज करने वाली, वो भी एक्सपोज कर दी। प्लस डीप स्टेट का जो प्लान था कश्मीर में आग लगानी, खालिस्तानियों को सपोर्ट करना, वो भी एक्सपोज किया। राहुल गांधी बहुत देर से मोदी जी के खिलाफ आग उलग रहा है, उगल भी रहा है, लेकिन वो अब एक पॉन बन गया, एक मुसीबत बन गया है डीप स्टेट के लिए। पॉन पहले था, अभी तो वो क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आता। उसने सारा भांडा फोड़ दिया डीप स्टेट का, इसलिए वो बेकार हो गया इसके लिए, डीप स्टेट के लिए। अब डीप स्टेट को एक और कैरेक्टर को खड़ा करना पड़ा राहुल गांधी की सारी बदतमीजियों को कवर करने के लिए। सेंसेशनल लगता है, ऐसे लगता है जैसे जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी का प्लॉट चल रहा हो। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है सोशल, इसमें न सोशल मीडिया कह दिया, जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग क्या है। पन्नू का लॉ सूट कब, राहुल गांधी का ट्रिप खत्म होता है और मोदी जी का ट्रिप शुरू होने वाला है, और मोदी जी वहां पर जाकर करने क्या वाले थे ये भी सोच लीजिए। मैंने पहले वीडियो बनाया है मोदी जी की एक यूएस की जो ट्रिप है, इट वॉज टू एक्सपोज बाइडन्स डीप स्टेट। उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं तुम्हें छड़ना नहीं हैगा इस बार, ये मोदी जी के वर्ड्स हैं, उन्होंने भी पंजाबी सीख ली है मेरे साथ रह रहकर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ नहीं रहते हो, क्योंकि मैं मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी चक्कर क्या है मोदी जी का, मोदी जी ने इस डिप्लोमेटिक ट्रिप के अंदर एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं डीप स्टेट को उन्हीं की कंट्री में बैठ कर, मैं उनको आईना दिखाऊंगा और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट भी करेंगे। बाइडन के लिए इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती कि मेरे मुंह पर मोदी आकर तमाचा मारे, वो भी इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, और वहां पर जाकर डीप स्टेट को एक्सपोज करें मेरी ही कंट्री में, मेरे ही मीडिया के सामने। और मोदी जी बोलने वाले थे वहां पर कि भाई मुझे मालूम है कि तुम मेरी गवर्नमेंट को वैसे ही गिराना चाहते हो जैसे शेख हसीना, मैं मानूंगा नहीं ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, और इससे बेटर स्टेज मोदी जी के लिए हो नहीं सकती देन यूएस की सॉयल पे बैठकर मोदी जी ये ललकार दें। और इंडियन मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज प्रिपेयर टू हाईलाइट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि हमारे किसान आंदोलन है यहाँ पर, बच्चों को भड़काया गया, इन सब चीज़ों में जैसे बांग्लादेशी गवर्नमेंट को घेरा गया, मोदी जी एक एक चीज को एक्सपोज करने वाले थे वहां जाकर कि आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मेरे कंट्री के खिलाफ जैसे करते जा रहे हो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आप ही की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दूंगा ट्रंप को सपोर्ट कर। यानी कि मोदी जी का मैसेज क्लियर था कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब डीप स्टेट ने भी एक क्लियर मैसेज दे दिया मोदी को, हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी का राइट हैंड है अजीत डोभाल, उसे डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बोल्ड स्टैंड है आप कह सकते हैं वॉशिंगटन की तरफ से, लेकिन रीजन क्या था, क्योंकि मोदी जी कभी भी अजीत डोभाल के बिना नहीं जाते हैं। मोदी जी जाते हैं अजीत डोभाल को लेकर, वहां पर जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है डीपली। अब डोभाल जी को टारगेट कर एक प्लान बनाया गया, क्या कि डोभाल जी को बिजी कर दिया जाए इस केसेस में,
और वो जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं वो उससे थोड़ा सा भटक जाए। और वो आपको मालूम है अजीत धवन हमारे जिसको बोलते हैं रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड है, उन्होंने कितने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को अंजाम दिया है और ये क्रिटिकल फिगर हैं मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन के। बाय गोइंग आफ्टर डोवाल इन हिज लॉसूट, आप सोच के देखिए डीप स्टेट ने क्या किया है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे वीक करने की कोशिश करी। और हो सकता है मोदी जी इस बार अजीत डोवाल को लेके ना जा पाए, एक दिन पहले ट्रिप से ये काम किया गया है। और टाइमिंग जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स में, बार बार बोलता हूं इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। और मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी अभी लैंड करने वाले हैं, लॉ सूट आ गया है, ये एम्बेरसमेंट करने के लिए है इंडियन गवर्नमेंट को। अब आप सुन के देखिए डोवाल जी को तो टाइप कर दिया उन्होंने इस एलिगेशन में, वो डिस्ट्रैक्ट भी होंगे और वो हो सकता है मोदी जी के साथ ना जा पाए। और ये जस्टिस के लिए तो है ही नहीं, पन्नू को मतलब नहीं है। और भाई पन्नू तुझे पैसे चाहिए थे, सीधे तरीके से मांग लेता कि भाई मुझे एक महीने की और मरने से पहले मोहलत दे दीजिए, इतने पैसे मुझे चाहिए एक एक महीने के, तुम तो अपना जो है घंटे बांध लो कि मुझे पर घंटे इतने पैसे चाहिए, दे देते। अजीत डोवाल जी का नाम लेने की जरूरत क्या थी, इतने पैसे तो तुम्हें सुमित जानी दे देता। लेकिन उसको इंडिया यूएस जो पार्टनरशिप बनती जा रही है उसे भी वीकन करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है। ये तो एक पैदा है जिसको बोलते हैं पन्नू, पन्नू को यूज किया गया है कि किसी तरीके से ये हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग ना हो जाए। दूसरी तरफ ये लास्ट जिसको एफर्ट है यूएसए के डीप स्टेट की तरफ से टू टोन डाउन मोदी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी छोटी नहीं है दोस्तों, लॉ सूट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो एलिगेशंस हैं वो सजेस्ट ये करती है एफआईआर में कि जो अजीत डोवाल है ये वाइडर एक स्ट्रेटजी है मोदी जी की, उसको अंजाम देते हैं, यानी कि मोदी जी को चक में रखने के लिए भी ये एफआईआर है। डोवाल जी का भी एक पैदे की तरह ये यूज कर रहे हैं। ये डोवाल है, ही इज अ किंग मेकर, पैदा मत सोचना मिस्टर यूएसए। ये हमेशा ही डोवाल जी मोदी जी के साथ ट्रेवल करते हैं, मोदी जी के मोस्ट ट्रस्टेड आदमी हैं, सेंसिटिव ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनएसएस ऑफ द वर्ल्ड। इनको इम्प्लीकेट कर कि एक इंटरनेशनल असैसिनेशन प्लॉट में इसका नाम है, उन्होंने मोदी जी को टोन डाउन करने की कोशिश करी है। उनका एग्रेसिव स्टैंड जो यूएसए में आने वाला है ग्लोबल पावर्स के सामने, अब थोड़ा सा उसको धीमा करने की कोशिश है। अब आपको क्या लगता है मोदी जी टोन डाउन हो जाएंगे? ओबे 2002 में उन्होंने टोन डाउन करने की कोशिश करी थी, ऐसा टोन किया है, अभी तक टोन रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे गुजरात में, याद तो होगा 2002, याद दिला देता हूँ क्योंकि कई कॉकरोच हमारी वीडियोस भी देखते हैं। अब आते हैं यूएसए के ऊपर, मुझे लगता है उन्हें बताना पड़ेगा दोबारा से ये मोदी है। एफआईआर तो हमने कर दी डोवाल के सामने, डोवाल के अगेंस्ट, और ये कॉन्स्पिरेसी मोदी जी की लीडरशिप को कट करने के लिए, डीप स्टेट के एजेंडाज को आगे लेके जाने के लिए। ये आपको लगता है कि मोदी जी डरने वाले हैं? मुझे लगता है मोदी जी की जो अब टोन है वो और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है अमेरिका में जाकर। टोन डाउन मोदी पॉसिबल नहीं है। और मैसेज क्या दिया मोदी को, मोदी जी स्टे इन लाइन, मैं कि थोड़ा टोन डाउन रहो, ये यूएसए का डीप स्टेट बोल रहा है, टोन डाउन रहो वरना ये होगा जो दिखाया है। आज एफआईआर डोवाल जी के सामने है, कल को तुम्हारे अगेंस्ट भी हो सकती है या कुछ और भी किया जा सकता है। ये डीप स्टेट बोल रहा है पन्नू के लॉ सूट के थ्रू, होना कुछ भी नहीं है इसमें, ये लॉ सूट तो कचरे के डब्बे में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी भेज भी दिया और पीछे हट। लेकिन डीप स्टेट तो डीप स्टेट है, मरने से पहले, क्योंकि डीप स्टेट अब खत्म होगा जैसे ही ट्रंप आएगा, ट्रंप के पूरे चांसेस हैं कि आ सकता है, ये पूरे चांस कर ट्राई कर रहे हैं डीप स्टेट वाले कि ट्रंप ना आ जाए। सोच कर देखिए, उधर ट्रंप आ गया, इधर मोदी है, उधर पुटिन है, ये तीनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। डीप स्टेट को डिसमेंटल करने की कसम ट्रंप ने खाई है। इधर मोदी जी ने जब 2024 के इलेक्शन थे उन्होंने बोल दिया था इन सब का मैं इकोसिस्टम तोड़ने वाला हूं, पुटिन उधर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये तीन लोग डीप स्टेट के लिए एक हड्डी हैं, इसलिए तीनों को रैटल किया जा रहा है। ये जो एक अटेम्प्ट है क्या पन्नू की तरफ से, ये बोल रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए। अरे भाई जस्टिस चाहिए थी तो तुम कटघरे में खड़े करते, पैसे क्यों मांगने लग गए बेटा,
मिस्टर पन्नू तुम तो कह रहे थे कि असीता जी पंजाब लवांगे और पंजाब लोगे भीख मांगकर, ये तुम भीख मांगने वाला काम पे शुरू हो गए हो। तो आपको इसी से समझ आ गया होगा कि ये लास्ट डिच एफर्ट है मोदी जी के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने का जो वो ग्लोबल स्टेज पे करते जा रहे हैं। अब आखिरी बात, मोदी जी प्रिपेयर कर रहे हैं यूएसए का ट्रिप का, दूसरी तरफ से एक लॉ सूट हो गया है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है, एक सेंसिटिव लेयर उन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर डाल दिया। आप इमेजिन कीजिए, एक उग्रवादी उसके कहने पर यूएस की गवर्नमेंट मोदी जी को कटघरे में खड़ी कर रही है, क्या ये पॉसिबल है? ये एक दो बड़े प्लेयर जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है? आपको याद होगा 2 महीने पहले भी मैंने बोला था हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि हम यूएसए के ऊपर ट्रस्ट करें, हमें वो टेक्नोलॉजीज दें, कुछ नहीं होगा, वो आपको लारे लप्पे लगाता रहेगा। और जो डीप स्टेट है ये कॉन्स्पिरेसीज करता रहेगा आपकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। आज देख लीजिए, 2 महीने नहीं लगे, आपके सामने रिजल्ट है। लॉ सूट तो बहाना है, मुद्दा है मोदी जी को वीक करना, इनकी जो एग्रेसिव टोन है दुनिया में जाकर वो खत्म करने, क्योंकि मोदी एक ऐसा आदमी है जो ग्लोबल प्रेशर और ग्लोबल पावर्स डीप स्टेट इनके सामने झुकता ही नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भारत का जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये अब ग्लोबल हो गया, ये अब लोकल नहीं रहा दोस्तों, ये ग्लोबल हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इट विल नॉट बी लेस एक्सप्लोसिव, ये अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है और कितना बढ़ेगा ये अब वक्त बताएगा। एक चीज मैं बता सकता हूं आपको, राहुल गांधी तो बचेगा नहीं किसी भी तरीके से, उसे तो डीप स्टेट हटाने वाला ही है। और मोदी जी की टोन को कम करने के लिए उन्होंने अब प्लॉट बनाने शुरू कर दिए, यानी कि एक ग्राउंड वर्क बनाना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से भारत की तरक्की को रोका जाए। और राहुल गांधी तो वहां पर डीप स्टेट में जाकर बोलकर भी आया है कि भारत की तरक्की को रोकना आपके फायदे की बात है, वरना भारत वैसा ही डेंजरस हो जाएगा जिस तरह से चाइना आपके लिए डेंजरस हो चुका है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर उनके डीप स्टेट को ये बोलकर आया है। अब आप सोच लीजिए कि दोस्त कौन है और दुश्मन वो कौन है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।